अमेरिका के लॉस एंजलिस में अदालत ने सिख समुदाय के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी के मामले में अनोखी सजा का ऐलान किया है। कोर्ट ने 21 साल के युवक को गुरुद्वारे में 80 घंटे की सेवा करने का फरमान सुनाया है। लंबे समय से सिख विदेशों में नस्ली हमले का शिकार होते रहे हैं। लाख कोशिशों और मांगे उठने के बावजूद इस पर रोक लगाना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन ऐसे हमलों पर नकेल कसने के लिए अमेरिका की अदालत ने एक नौजवान को गुरुद्वारे की दीवार पर नस्ली टिप्पणी लिखने पर अलग सजा सुनाई है। लॉस एंजलिस में स्थित गुरुद्वारा साहब पर नस्ली हमला करने वाले युवक को दोषी पाया गया। 21 सालों के दोषी का नाम ब्रोडी डुराजो है और अदालत ने दोषी को गुरुद्वारा साहब में 80 घंटे सेवा और 240 घंटे तक लिखे गए नारों की सफाई करने की सजा सुनाई है। गुरुद्वारा प्रबंधन की तरफ से भी इसकी इजाजत दे दी गई है। ब्रोडी डुराजो ने अपने किए के लिए लिखित में माफी भी मांगी है और गुरुद्वारे में सेवा करने की सजा सुनाई जाने के पीछे मकसद था नौजवान को सिख धर्म से परिचित करवाना। बहुत वड्डी प्रॉब्लम सिख कम्युनिटी नु हो गई है। किसी ने एशियन ते भी हमला करना होवे ते वो सिख दे उत्ते करदा है और 9/11 तो बाद ते अरब साहब नु समझा जांदा, बिन लादन नाल साडी शक्ल मिलदी है समझा जांदा है। ए इग्नोरेंस बहुत वड्डी है, इसलिए सरकारां नु भी कम बहुत एफर्ट करने पैणगे, सिख कम्युनिटी नु भी बहुत करना पएगा और साडी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी SGPC दी भी ड्यूटी बहुत वड्डी है और असी ऑलरेडी इस दे उत्ते काम करदे पए हां। 6 दिसंबर 2015 को यह पूरा मामला सामने आया था जब गुरुद्वारे के बाहर दीवार पर और एक ट्रक पर ISIS के खिलाफ नारे लिखे गए थे। सिख भाईचारे के लोगों की तरफ से इसको नस्ली हमला करार दिया गया था। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया।